तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा लोकायुक्त कार्यालय से, जहां रीवा लोकायुक्त टीम द्वारा शहडोल जिले के कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई को 9000 रुपए की रिश्वत लेते रगे हाथों ट्रैप किया गया है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि शहडोल निवासी शिकायतकर्ता एकांत सिंह ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई अरविंद दुबे द्वारा थाने में खड़ी गाड़ी को छोड़ने की एवज में 10000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि दशहरे के जुलूस में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उक्त मामला सिटी कोतवाली में दर्ज था और मामले की जांच एएसआई अरविंद दुबे द्वारा किया जा रहा था। इसी मामले में उसकी क्रेटा कार थाने में खड़ी करा ली गई थी, लेकिन लिखा पढ़ी में जब्त नहीं किया गया था। कार छोड़ने की एवज में एएसआई द्वारा 10000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके बाद 9000 रुपए में गाड़ी छोड़ने की बात फाइनल हुई थी, जिसकी शिकायत एकांत सिंह द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में आकर की गई थी। इस शिकायत को सत्यापित करने के बाद 9000 की रिश्वत लेते एएसआई अरविंद दुबे को ट्रैप किया गया है। ट्रैप की यह कार्रवाई लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देश पर डीएसपी राजेश पाठक, निरीक्षक जियाउल हक, प्रधान आरक्षक मुकेश मिश्रा, पवन पांडे, आरक्षक सुभजीत साकेत, शिवेंद्र मिश्रा, शैलेश मिश्रा, सुभाष पांडे सहित 12 सदस्यीय टीम ने किया है।